लेकिन जब लास्ट टाइम ये फॉर्म आए थे पुलिस के तो तब 11th में थी या 12th में थी, तो मतलब वो फिल नहीं कर पाई, तो तब से मतलब सोचा था कि अब जब फॉर्म आएगा तो हम लोग इसकी तैयारी करेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन हुआ 3 साल तब तक नहीं आया, मतलब ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया तो उसके बाद भी कोई उम्मीद नहीं थी कि फॉर्म आएगा, तो मतलब चूँकि जिसके आने की उम्मीद नहीं हो तो कोई इतनी तैयारी नहीं कर सकता, या फैमिली कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग इतने टाइम से जब फॉर्म आया भी नहीं तब से उसकी तैयारी करना शुरू करेंगे, और प्लस ये भी नहीं पता कि वो कब आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक, मैं आपके साथ सरिता तिवारी। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि UK SSSC का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, पेपर लीक प्रकरण को लेकर लगातार उत्तराखंड तक आवाज़ उठा रहा है और बच्चों की समस्याओं को भी यहां पर दिखा रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि अभी राज्य सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया है कि 5 परीक्षाएँ यहाँ पर रद्द कर दी गई हैं, और उस 5 परीक्षा में से एक परीक्षा जो थी मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार की जो परीक्षा थी, तो हमारे साथ यहाँ पर एक विद्यार्थी है जिन्होंने अभी हाल ही में वो परीक्षा दी थी और सरकार ने उसे रद्द कर दिया गया है, तो उनसे हम जानेंगे कि उनका अब इसमें क्या कुछ रिएक्शन है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम टीकम सिंह है। टीकम सिंह, आप बताइए आपने कौन सी परीक्षा दी थी और कब दी थी? मैंने अभी 31 जुलाई 2021 को दी थी मैम, पुलिस दूर संचार की। ठीक है, क्या उसका रिजल्ट आया था या नहीं आया था? नहीं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया था, मैं उसकी आंसर की आई थी, उसके बाद मतलब पेपर कैंसिल कर दिया गया। ओके, मतलब सिर्फ आपने एग्जाम दिया था, परिणाम नहीं आया था। ठीक है, अभी सरकार ने इसे रद्द कर दिया गया है, क्या लग रहा है आपको, क्या रद्द करना सरकार का ये फैसला सही है नहीं? मैम, अगर रद्द करना है तो जैसे BDO BPDO वगैरह जो चीज़ें अभी जिसमें मामले मतलब अभी दिखने सामने दिख रहे हैं, हाँ, तो उनको रद्द कर दीजिए ना। पहले हमारा अब तो कोई परिमाण भी नहीं आया तो ये पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया। मैम, अगर आपको रद्द करना ही है तो जितने भी एग्ज़ाम हुए UK SSSC तो सारे रद्द कर दीजिए फिर। हाँ, मतलब क्योंकि एक लॉजिक, क्योंकि इवन बहुत सारी युवा कह रहे हैं जो हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि किस आधार पर सरकार ने परीक्षाएं रद्द की हैं, क्या सिर्फ शक के आधार पर की हैं, और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि गड़बड़ियां तो बहुत परीक्षाओं में हैं, तो वो भी रद्द कर देनी चाहिए। जी, तो सारे रद्द कर दीजिए मैम, जितने भी UK SSSC में हो, जैसे LT हुआ, अभी BPDO वगैरह, अदर एग्जाम भी हुए हैं, अदर फील्ड जैसे साइंस ग्रुप के हो गए, आर्ट्स ग्रुप के हो गए, तो सारे रद्द कर दीजिए ना मैम। अब आपको क्या उम्मीद है, मतलब कि अभी तो फिलहाल रद्द कर दे हैं, दोबारा से कब फॉर्म निकलेंगे, कब आप दोबारा से एप्लीकेशन इसकी देंगे, कुछ पता है अभी? अभी ये मतलब कुछ पता नहीं है, ये एग्ज़ाम जो अभी रद्द हो रखे होंगे भी ना होंगे, ये अभी कुछ ऐसा है, मतलब कुछ प्रोसेस तो है नहीं। अब है, आगे पता नहीं कब होंगे, वैसे भी पहले 5 साल के बाद तो वैकेंसी आती है यहाँ पे, ये तो जो दूर संचार वाली 2015 में आई थी, 2022 में ही 7 साल के बाद ये एग्ज़ाम हुआ। 7 साल के बाद, मतलब 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, तब उम्र क्या थी आपकी? उस समय उम्र मैम 18 साल थी। 18 साल से तैयारी कर रहे हैं, 18 साल लगा दो 25 तो हो ही गए मैम। हाँ, और अब दोबारा से मान लीजिए इतने 5-7 साल के बाद वैकेंसी आती, तब तक 30-32 साल के हो चुके होंगे, आप हैं कहाँ से? हम ऐसे चक्राता से हैं, पहाड़ी जी। तो यहाँ देहरादून में आप कैसे रहते हैं? रूम लेके रहते हैं। रूम का किराया खुद ही देते होंगे? जी, खुद ही देते हैं। कमाने का जरिया क्या है? कमाने का जरिया अपना पार्ट टाइम, अब अपने अपनी विद्यार्थी की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, जैसे मेरी है तो मेरी अलग से है और अदर चीज़ की अलग होती है। अब कैसे कैसे कंडीशन में हम लोग तैयारी करते हैं, कैसी हमारी प्रॉब्लम, कैसी हमारी परिस्थितियों का अपना सामना करते हैं। घर में कौन कौन? घर में भाई बहन भाभी है। घर में कौन कौन कमाता है? घर में भाई कमाने वाला है। एक भाई कमाने जी वाला, और अपना आप खुद जो है? हाँ, अपना खुद से हम यहाँ पे अपना जी खुद से करते हैं। और पढ़ाई के लिए फिर समय कैसे निकालते थे? पढ़ाई के लिए भी समय निकाल लेते हैं हम, जैसे अभी क्या कहते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते, जो अदर टाइम होता है उसमें हम अपना पढ़ लेते हैं खुद से, अपने लिए टाइम निकाल देते हैं। अभी LT भी दिया मैं, LT में भी पॉइंट में रुका, लेक्चरर भी फाइनल मेरा 2 नंबर से रुक रखा है। अदर एग्ज़ाम अगर आपको कैंसिल करने जी उत्तराखंड के UK SSSC का, तो सारे एग्ज़ाम रद्द कर दीजिए, जो अभी हमने जो दिए इसका परिणाम घोषित हुआ नहीं, ये पहले कैंसिल हो गई। अगर मान लीजिए आपने कोई पेपर दिया होता, उसका परिणाम भी आ चुका होता, सिर्फ आपका सिलेक्शन बाकी रहा होता, जैसे कि VDO BPDO का रह रहा है, और आपको सुनने में आता कि परीक्षाएँ जो है रद्द ये हो जाएंगी या कर दी गई है कुछ ऐसा, तब आपका रिएक्शन क्या होता? तो हमारा रिएक्शन नहीं होता उसमें, जैसे अभी BDO BPDO में अभी सामने दिख रहे मामले जितने भी है, अगर हमारे उसमें तो हम यही कहेंगे, उसमें क्या कहते हैं, जहाँ जैसे अभी तो यहाँ पे
क्या कहते हैं SDF जांच करे, उसके बाद CBI जांच। हम मतलब ये हमारी मांग यही है, तो CBI जांच होनी चाहिए सारी चीज़ों में, CBI जांच जी। ठीक है, तो ये है हमारे साथ टीकम जी, जिन्होंने बताया कि क्यों आखिरकार ये 5 परीक्षाएं ही रद्द कर दी गई हैं, बाकी परीक्षाओं में भी तो गड़बड़ियां हुई हैं, तो सरकार ने वो रद्द यहाँ पर क्यों नहीं की है। 5-5, 7-7 साल के बाद यहाँ पर भर्तियाँ आती हैं और उसके बाद भी उसे अगर रद्द कर दिया जाएगा तो बच्चे कितना और पढ़ेंगे उनको खुद नहीं पता। और भी यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स हमारे साथ हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम रिंकी है। रिंकी कहाँ से हैं आप? हम पौड़ी। पौड़ी से? तो पौड़ी से आप यहाँ पे देहरादून से पढ़ाई करने के लिए आई हैं? हाँ। क्या पढ़ाई कर रही हैं यहाँ पर? पुलिस कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आप रह रहे हैं, तो चलिए उसमें बात करें। पहले बात करते हैं कि जो प्रकरण यहाँ पर चल रहा है, आप भी देख रहे हैं और आप लोग तो अभी जो है फ्रेश हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं, और खुदा ना खासा आगे चल के ऐसी स्थिति अगर आप लोगों के साथ बनती है कि आप लोगों ने जो पेपर दिया, मान लीजिए वो लीक होने की वजह से रद्द हो जाए, कल को एक केस हम मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं, और या निरस्त हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, और आपने यहाँ पे रह के पौड़ी से आके 5-7 साल यहाँ पे पढ़ाई की, तब आप उस हिसाब से क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? जो फ़िलहाल की स्थिति है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं, क्योंकि अभी वो चीज़ आप लोग फेस नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ कह सकते हैं इस पर? आप कहाँ से बताइए, नाम बताइए। टिहरी से। क्या नाम है? रुचि कपूर। रुचि, तो रुचि आप भी टिहरी से यहाँ पर मतलब रेंट पे रह रहे हैं आकर? यस। आपके घर में कौन कौन है? भाई बहन। भाई बहन है। कौन कमाता है उसमें? भाई, सिर्फ भाई कमाता है, ठीक है। तो कुछ पता है आपको कि अब ये जो आप कौन सी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा ही है कांस्टेबल? तो कब इसके जो है फॉर्म निकलेंगे, कुछ पता है? अभी कोई जानकारी, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक अभी दिसंबर में आया था, अभी फिजिकल अक्टूबर, अच्छा अक्टूबर में होना था, लेकिन अभी जो है डेट एक्सटेंड हो सकती है, कुछ पता नहीं। हाँ, वही एक बात कह रहे हैं कि मतलब जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, अभी तो ये है कि जो UK SSC 23 परीक्षाएं थी वो UK PCS करवाएगा, ठीक है, और एक तरफ 5 परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, कुछ परीक्षाएं रद्द नहीं की हैं जिनके परिणाम आ गए थे। अब आप लोगों का माइंड जो है उसमें क्या चल रहा है, लेकिन क्योंकि आप लोग SI और कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आते हैं, कब इसकी जो है परीक्षाएँ होंगी, कब इसकी आपका फिजिकल भी होता है, और कई बार दिक्कतें जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं डिंपल रावत है, मैं पौड़ी से बिलोंग करती हूँ, और मुझे भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तैयारी को करते हुए, लेकिन जो हर किसी का एक एम होता है, सपना होता है, कि जैसे आप बोल रहे थे कि आपका भी था पुलिस में जाने का, तो जब से हम मतलब बचपन से यही था कि मतलब बचपन से था कि हमें पुलिस में जाना है, मतलब घर में हर कोई बोलता है हाँ हमारी लड़की पुलिस में जाएगी, हर किसी का होता है, लेकिन जब लास्ट टाइम ये फॉर्म आए थे पुलिस के, तो तब 11th में थी या 12th में थी, तो मतलब वो फिल नहीं कर पाई, तो तब से मतलब सोचा था कि अब जब फॉर्म आएगा तो हम लोग इसकी तैयारी करेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन हुआ 3 साल तब तक नहीं आया, मतलब ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद भी कोई उम्मीद नहीं थी कि फॉर्म आएगा, तो मतलब जो कि जिसकी आने की उम्मीद नहीं हो तो कोई इतनी तैयारी नहीं कर सकता, या फैमिली कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग इतने टाइम से जब फॉर्म आया भी नहीं तब से उसकी तैयारी करना शुरू करेंगे, और प्लस ये भी नहीं पता कि वो कब आएगा। अभी आया तो मतलब तब से हम लोगों ने फिजिकल का जो भी एक्टिविटी हुई फिजिकल क्लियर हुआ, अब इसकी तैयारी करना शुरू। आप SI की तैयारी कर? इसमें SI कांस्टेबल दोनों की है। तो लास्ट फॉर्म कब आया था? SI का तो 2015, तो ग्रेजुएशन मतलब नहीं था, बहुत छोटे थे। 2015 में आया था SI का, अब उसके बाद अब आया है, अब 2022 में भी आया है, अभी आया, तो इसका भी मतलब 7 साल लग जाते हैं बाकी, और तो एक्सपीरियंस मतलब सरकार की तरह आते हैं क्या, मतलब ये पंचवर्षीय योजना है, योजना बाकी जो ये वीडियो VPDO का है, तो इसमें बहुत कुछ तो मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मेरा मतलब नहीं था, लेकिन इसके मैं अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ इसमें, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मतलब मेरे हिसाब से इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच सकते हैं। एक तो जैसे बोलने वाली बात है कि अगर किसी कोई बच्चा मेहनत से निकला हुआ है तो वो फिर से तैयारी कर सकता है, वो फिर से मतलब अपना वो दिखा सकता है, लेकिन हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो इतना टाइम किसी के पास या किसी की फैमिली इतनी अलाउ नहीं करेगी कि तुम 10 साल 7 साल 8 साल कहीं रेंट पे रहो, तुम्हें पूरा खर्चा हम लोग देंगे, कोचिंग वगैरह मतलब जो भी है, कोई इतना टाइम नहीं दे पाएगा, मतलब एक जो फैमिली कंडीशन होती है हम लोग की। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये रद्द नहीं होती है तो मैम
कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पॉइंट से रुके हुए हैं, तो हो सकता है ये वो बच्चे थे जो मतलब शायद अगर धांधली नहीं होती तो ये निकल सकते थे, मतलब वो उनकी भी मेहनत थी। तो इनको मतलब दोनों तरीके से हम लोग देख सकते हैं, बाकी तो हम लोग कुछ ज़्यादा इसमें बोल नहीं सकते कि रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, बाकी कौन हम लोग अपना बोल सकते हैं कि जो हमने अभी फॉर्म भरा हुआ है कॉन्स्टेबल का, हम मतलब ये उम्मीद करेंगे कि अब ये पंचवर्षीय योजना ना हो कि हम लोग भी तैयारी करें और ऊपर से फिर से ऐसी कोई वो आती है खबर आएगी कि ये धांधली हो रही है, ये जुगाड़ हो रहा है, उसके बाद हम लोग फिर नहीं कर पाएंगे। वही मैं समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोग तो अभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे जो तैयारी कर चुके हैं, एग्जाम दे चुके हैं, उनके साथ इतना बड़ा एक मतलब उनको एक शॉकिंग जो न्यूज़ मिली कि रद्द कर दी गई है, जैसे आपके साथ भी ऐसा हुआ। टीकम जी, आप लोग थोड़ा सा आइए, पहाड़ की बेटियाँ हैं, थोड़ा सा आप लोग आगे आइए, कहाँ कहाँ से हैं ये भी बताइए। उत्तरकाशी से। और यहाँ पे कैसे रह रहे हैं? यहाँ पे आप भी रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है। कब से तैयारी कर रहे हैं आप? अभी तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अभी ग्रेजुएशन। और यहाँ पे SI या कांस्टेबल किसकी तैयारी कर रहे हैं? SI की कर रहे हैं। ओके, तो SI ही बनना है, मतलब एक ड्रीम सेट करके आए उत्तरकाशी से। मम्मी पापा को बोल के आए ना यहाँ से SI बन के आऊँगी जी। ठीक है, तो लास्ट फॉर्म जैसे बता रही है कि रिया नाम बताया था ना आपने, हाँ डिम्पल, सॉरी, तो डिम्पल ने जैसे बताया कि 2015 में आया था फॉर्म और उसके बाद अब आया है, ठीक है, तो आपने ये फिल किया है अभी? फिल नहीं किया है, ठीक है। और कब फिल करेंगे, लाइक कुछ, क्योंकि कितना टाइम पढ़ेंगे, कुछ एक माइंडसेट होता है ना कि हाँ हमें 2 साल पढ़ना है, 3 साल पढ़ना है, कुछ तो एक टाइम लिमिट आप सेट करके रखते हैं? अभी तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो मतलब जब तक फॉर्म आता है तब तक पढ़ें। ओके, मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप सोच रहे हैं साइड में ये कोचिंग लेते रहेंगे ताकि तैयारी होती रहे, ठीक है। आप क्या करते हैं, लाइक क्या नाम है और कहाँ से? गरिमा राणा, उत्तरकाशी से। आप भी उत्तरकाशी? बहनों या फ्रेंड है? बहन है। मैं समझ गई थी बहन है, ठीक है। आपको क्या बनना है, SI या कॉन्स्टेबल? कर तो दोनों ही के रहे हैं, SI। हाँ, ओके, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें। हाँ, तो तैयार है? अभी तो कहाँ, अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, अभी एज भी नहीं हुई है, फॉर्म भी नहीं भरा। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो काफ़ी फ्रेश है। बाकी आप लोग से थोड़ा सा और बात करना चाहूँगी, अब थोड़े से बॉयस की बारी आ जाएगी, ठीक है। कौन बढ़िया से बोल लेता है यहाँ पे? आप आ जाए, आप आ जाइए। हाँ, फौजी एकदम लग रहे हैं आप। नाम बताइए अपना। मेरा नाम विनय खेमवाल है। विनय जी, कहाँ से आप? मैं प्रॉपर देहरादून से ही हूँ। आप देहरादून से ही हैं, ठीक है। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं SI की प्रॉपर, वैसे तो SI की कर रहे हैं, पर कॉम्पिटिशन लेवल की और भी मतलब लगे हुए हैं तैयारी में, ठीक है। हाँ, क्योंकि ऑप्शन तो लेके चलना पड़ेगा जिस हिसाब का माहौल चल रहा है, लेके चलना पड़ता है जी। बाकी उन्हें तो बैकअप प्लान लेके नहीं चला था, तो आप उनकी गलतियों से सीख सकते हैं कि अगर उत्तराखंड में अगर कुछ तैयारी करनी है तो 2-3 तैयारी एक साथ कर ली। नहीं मैम, बेसिकली किसी भी फैमिली बैकग्राउंड के लिए, मध्यम परिवार के लिए एक जरिया है जॉब उसका, ठीक है मैम, उसे अपने आप को मतलब अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए सोसाइटी के सामने, वो दिखाने के लिए कि वो उसे मतलब चीज़ें दिखाएगा कौन, वो उसकी जॉब दिखाएगी बेसिकली, मतलब प्रेजेंट कौन करवाएगा उसकी जॉब, तो बेसिकली मध्यम परिवार के लिए, उसके लिए मतलब ये चीज़ें छोड़ के जॉब में बेसिकली मेन कहते हैं कि जब घर का एक बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता है तो वो पूरा परिवार ही तैयारी करवा रहा होता है, क्योंकि ड्रीम सबका जुड़ा होता है। एक माँ भी पूरा ध्यान रखती है एक बच्चे का, उसका टाइम से खाना सब कुछ, ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ पाए। पिताजी होते हैं जो कि फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, तो पूरी मेहनत होती है। और ऐसे में कोई पता नहीं हो आपको कि कब फॉर्म निकलेंगे, और अगर निकले बाद में परीक्षा हुई और रद्द हो जाएंगी, तो ये जो एक मानसिक स्थिति हो जाती है, इसको लेके मैं बात करना चाह रही हूँ कि अभी जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, अगर उन बच्चों के एंगल से आप समझें और कल को ये परिस्थितियाँ आप लोगों के साथ बनती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड की सरकार को, या जो यहाँ पे आयोग है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मैम, बेसिकली एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि किसी भी मतलब कोई चीज़ में आप प्रॉपर 100% दे रहे हैं, ठीक है, आप तब तक 100% दे सकते हैं उसमें जब तक आपको उसका आउटपुट दिख रहा है, ठीक है, आप 100% देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता लगता है कि आपका एग्ज़ाम दिया है, आपने क्लियर भी कराया, 1-2 नंबर से आप रुक गए उसमें, ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि नहीं क्यों नहीं, अगली बार मैं तैयारी से दूंगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, उसी दौरान आपका एग्ज़ाम पता लगता है कि आप में धांधली हो गई है या फिर ये हो गया, तो इसलिए मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है मैम। स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, मैं समझता हूँ, क्योंकि बेसिकली आपकी जिम्मेदारी मतलब आप पे समाज की भी जिम्मेदारी, आपके परिवार की भी जिम्मेदारी है, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप ही अपने परिवार को ग्रो कर सकते हैं बेसिकली, आपको ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
क्योंकि आप पूरा परिवार को आप एक साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि आप एक बेसिकली आप वो हैं बिल्कुल एक होप होती है पेरेंट्स की कि आज चलो बच्चे की जॉब लग जाएगी तो घर संभाल लेगा, एक उम्मीद होती है। तो और ऐसे में सडनली पता चलता है कि अभी तो 5-7 साल और वेट करना पड़ेगा, तो ये बहुत ही शॉकिंग हो जाता है पेरेंट के लिए भी और आप सभी बच्चों के लिए भी ऐसा। तो अभी तो हालांकि आप लोगों के साथ ऐसी कोई स्थिति बनी नहीं है, लेकिन आगे कल को बनती है तो आई होप कि ना बने, मतलब उम्मीद तो यही है कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि जिस तरह से सरकार अच्छे कदम उठा रही है, कह रही है कि जल्दी से जल्दी परीक्षाएँ होंगी और जितनी भी रिक्त पद हैं वहाँ पर भर्तियाँ करवाई जाएंगी, तो उसको लेकर उम्मीद है। तो आखिरी में आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आपको लगता है कि जो अभी परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ हुई हैं उसको लेकर CBI जाँच होनी चाहिए या STFE ठीक है? तो यहाँ पर जिस हिसाब की गड़बड़ियाँ अभी एग्जाम्स में चल रही हैं उसको लेकर तमाम युवा मांग कर रहे हैं, सड़कों पर उतर कर आप भी देख रहे हैं कि देहरादून परेड ग्राउंड में भी बच्चे आए हुए थे, वो लगातार CBI जांच की मांग कर रहे हैं। तो कल को ऐसी परिस्थितियाँ आप लोगों के साथ भी हो सकती हैं, तो अभी जो बच्चे हैं जो CBI जांच की मांग कर रहे हैं, क्या आप उन लोगों के साथ हैं? क्या आपको लगता है कि CBI जांच होनी चाहिए? एक साथ बता दीजिए क्या कहना है। तो यहाँ पर ज्यादातर जो मुझे आवाज सुनाई थी वो यही कह रहे हैं कि CBI जांच होनी चाहिए। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि सरकार क्या ये जांच STF से CBI को ट्रांसफर करती है या नहीं करती है। जैसा भी अपडेट आएगा आपको यहाँ पर हम देंगे। और यहाँ पर हमने बातचीत की कुछ ऐसे बच्चों से जिन्होंने जो है जो 5 परीक्षाएं रद्द हुई हैं उसके एग्जाम दिए थे लेकिन अब वो रद्द हो चुकी हैं। कुछ ही सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि SI और कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और अपना फ्यूचर देख रहे हैं और उम्मीद के साथ यहाँ पर दूर दूर से पहाड़ से देहरादून के इस कोचिंग सेंटर में, यहाँ पर GS विजन कोचिंग सेंटर में यहाँ पर हैं पढ़ाई करने के लिए। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। तो फिलहाल इसी के साथ इतना ही, आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।